विकास भवन ने DDO ऑफिस में तैनात नाजिर को एंटी करप्शन रेट 10,000 रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। विकास भवन में तैनात वीरेन सिंह चौहान को जिला अस्पताल के गेट पर रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कोतवाली अकबरपुर में गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की प्रक्रिया एंटी करप्शन द्वारा कराया जा रहा है। नाजिर वीरेन सिंह को 10,000 घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा। अम्बेडकर नगर के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां शुक्रवार करीब 1 बजे दोपहर में जिला अस्पताल गेट के सामने से एंटी करप्शन टीम ने DDO के नाजिर बाबू वीरेन सिंह पुत्र श्याम नारायण तिवारी टांडा अम्बेडकर नगर को शिकायतकर्ता विनोद कुमार सेक्रेटरी की शिकायत पर 10,000 घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया, जहाँ पर पूर्व में उसी कार्यालय के बगल सूबे के मुख्यमंत्री अधिकारियों व जनता के बीच चैलेंज कर रहे थे कि हमारी सरकार में घूसखोरी व दबंगई एक दम नहीं चल रही है, अगर ऐसे व्यक्ति हरकतबाजी करते हुए पकड़े जाएंगे तो बक्सा नहीं जाएगा, आखिरकार यह सब क्या है जो सामने आ रहा है। वहीं पर नजीर वीरेन सिंह को एंटी करप्शन टीम ने कोतवाली अकबरपुर में अग्रिम कार्यवाही करते हुए कैद किया।